वेलकम दोस्तों। तो इस लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा कि मान लो आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसको मतलब कैसे वेल स्ट्रक्चर वे से मैनेज करना है, कि क्या उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, फोल्डर कैसे मैनेज होने चाहिए, कि PHP की फ़ाइल, JS की फ़ाइल, CSS, इमेजेस, वो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, उनके मतलब स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाने हैं, जो कॉमन फाइलें हैं उनको आप कहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो और उनको कैसे यूज़ कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि यार हम ये वाला प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे रखें, यार कोई हमने टेम्पलेट उठा लिया गूगल से और नेट कर हमने, तो कोई भी एडमिन पैनल हमने ले लिया और हमें समझ नहीं आता कि उसको हम कैसे अपने उसके मतलब उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कि ये तो हमने HTML और CSS का ले लिया है और अब हमें इसी को PHP में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने देखा था कि आप जो भी लेते हो, हम एक एसेट्स बनाते हैं, एसेट्स के अंदर अपनी CSS, JS, इमेजेस और जो भी आप लाइब्रेरी, जैसे हमने डेटा टेबल आपको दिखाई थी यूज़ करनी, ये कैसे आप उसमें डाल सकते हो, जो भी आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, तो जब भी आप लाइब्रेरी उठाते हो ना तो CSS मिलती है उसकी एक हमें, और एक JS मिलती है। तो आप जैसे कि हमें मिली थी डेटा टेबल के अंदर, तो आप एक फोल्डर बना लो डेटा टेबल नाम का लाइब्रेरी के अंदर, मतलब जो भी आपकी लाइब्रेरी है, और उसको डिफाइन कर दो, फिर उसको कॉल करा लो, ताकि कल को ये बोलें कि आपको ये वाली लाइब्रेरी हटानी है अपने प्रोजेक्ट से, तो आप यहाँ पे जाओगे सीधा इस फोल्डर को डिलीट कर दोगे, जहाँ इंक्लूड होगे कर दोगे, वरना क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ CSS और JS में डालते जाओगे, यहाँ पे नाम सर्च करोगे आपको या उसका नेम क्या है, और यहाँ पे तो यहाँ आपको पता है डेटा टेबल है फोल्डर, सीधा उड़ा दो। तो इस तरीके से आपके एसेट्स मैनेज हो जाएंगे कॉमन, जो आपके जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमनली यूज होती हैं, और जैसे कि साइड बार, ये टॉप बार हो गया, इसके ऊपर कोई हेडर नहीं है, वो हो गया हेडर, कोई मान ले इसको, चलो हम टॉप बार को हेडर ही बोल लेते हैं, और फुटर हो गया। तो ये फाइलें आप एक कॉमन नाम की एक फाइलें बनाओ, उसके अंदर मैनेज करते जाओ, फुटर नाम से ये, साइड बार नाम से ये, फिर जो भी पेज है आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल हो गया। अब कोर PHP में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो स्ट्रक्चर तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा था, जैसे ये टेम्पलेट्स हो गए, एक अलग ले लिया, तो आप कोशिश करो कि PHP का कोड हम अलग फाइल में लिखें और HTML का कोड हम अलग फाइल में लिखें। तो PHP का जो कोड है अभी तो हमने कर दिया बाहर और अंदर कर दिया टेम्पलेट के अंदर, अगर आप चाहते हो कि टेम्पलेट के अंदर आपका HTML वाला पार्ट है तो वो डाल सकते हो और बाहर आप अपने PHP कोड लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका कोड भी मैनेज हो जाएगा। अब हम आते हैं ये एडमिन पैनल पे है, हमने देखा जैसे ही हम लॉगिन करते हैं आपका सेम पेज है एक, लेकिन जब एडमिन खोलता है तो कुछ और रिकॉर्ड आता है, और इसी पेज को वो यूज़र खोलता है तो कुछ और आता है। तो आप सिंपल सेशन में ID और यूज़र ID सब स्टोर कर लो आप, जैसे हमने दिखाया था, जो लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते टाइम एक सेकेंड कहाँ है इसमें, ये रहा, हमेशा यूज़र टाइप, यूज़र ID, ये तो हमेशा लेके ही रखनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि ये यूज़र हमारा कौन सा है। तो इस तरीके से आप पेज भी मैनेज कर सकते हो कि सेम पेज है, आप तीन कंडीशन, अगर आपके पास यूज़र है, एम्प्लॉय है और एडमिन है या सुपर एडमिन है, तो उसके बेसिस पे आप तीन तीन चार चार पेज भी मैनेज कर सकते हो कंडीशन लगा के। तो इस तरीके से आप एक ही पेज को अलग अलग तीन यूज़रों को दिखा सकते हो। तो इस तरीके से ये होता है। और जब भी हम क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डेटा टेबल भी यूज़ करते हैं उसके अंदर, क्योंकि रिकॉर्ड जब लंबा हो जाता है या सर्चिंग के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आप सर्चिंग के भी लिए आसान है कि अरुण का रिकॉर्ड कब है या इस फ़ोन नंबर का क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं इसके अंदर, पेजिनेशन भी है जो आपको यूज आनी चाहिए। हमने इसके अंदर आपको jQuery वैलिडेटर भी दिखाया था कि अपने आप ही वैलिडेशन वगैरह लग जाती है उसके अंदर। तो काफ़ी जो प्रोजेक्ट के अंदर यूजेस होते हैं ना, वो बहुत सारे हमने कर लिए यहाँ पे, जो मेनली यूज़ करते हैं। अब आप इसमें आगे का प्रोजेक्ट आप अपने आप ट्राई करिए, कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो, आप कमेंट करो, तो आप कुछ भी अपने दिमाग से सोचो कि आप आगे क्या कर सकते हो। सोचो आके आप रिपोर्ट बना सकते हो,
कि जिस रिपोर्ट में आप ये देख सकते हो, जैसे ये रिपोर्ट बना ली, साइड में टेबल आ रहे हैं, ऊपर एक छोटा सा डिप बना लिया, दो बटन दे दिए, मतलब इनपुट वो दे दिए, जैसे ये है ना, ये जहाँ पे वो पहले डेट फ़ोन नंबर डाले, जैसे अभी इसमें क्या होता है, केवल एडमिशन नंबर से वो होता है सर्च, जैसे अरुण नाम से सर्च हो गया, अब अरुण के साथ में एक और कंडीशन चेक करना चाहता हूँ कि साथ में फ़ोन नंबर हो, तो सर्च फिल्टर लगा सकते हो आप। यहाँ पे दो टेक्स्ट इनपुट फील्ड होंगे, पहले में आप नेम डाल सकते हो, दूसरे में ईमेल आईडी, जैसे ही वो सर्च करेगा तो उसके रिकॉर्ड आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये सारी फंक्शनिटी आप लगा सकते हो, या फिर आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब अपने दिमाग से आप जो भी सोच सकते हो प्रोजेक्ट के बारे में। तो वो प्रोजेक्ट तो क्या कहते हैं, आपको कोई भी कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं दिखाएगा बना के, हमेशा कोई भी है एक स्ट्रक्चर बता देगा, यार ऐसे काम होता है इसके अंदर, सोचना आपको अपने हिसाब से। अगर आप सोचोगे कि आपको सारा प्रोजेक्ट बना बनाया मिल जाए और सीधा कॉपी पेस्ट, तो ये आपकी खुद की ग्रोथ रोकता है। हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता है कि किसी को आइडिया नहीं होता कि हमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर कैसे रखना है, तो वो हमने आई थिंक ज़्यादा मतलब काफ़ी एक्सप्लेन कर लिया है और देख भी लिया है कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो आगे की आप ट्राई करो अपने दिमाग से कि अब मेरे को एडमिन में ये होना चाहिए था, तो यूज़र जाके उसको ये चीज़ कर सकता है। अब मान लो एडमिन सब्जेक्ट ऐड कर सकता है, ठीक है ना, तो एडमिन ने मान लो सब्जेक्ट ऐड कर दिया, एक फॉर्म बनाया आपने, सिंपल ना क्रेडी चलता है, जो भी चलता है, स्टूडेंट आएगा अपने पेज खोलेगा, जैसे वो सब्जेक्ट ऐड करने के लिए जाएगा, उसके पास सिंपल एक फॉर्म आएगा जहाँ पे पहला नेम आएगा सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट आ रहे होंगे सब्जेक्ट वाली टेबल से जो एडमिन ने डाले हैं, तो सब्जेक्ट की लिस्टिंग वही आएगी जो एडमिन डालेगा, और अब नीचे वो अपना वो नाम डाल लेगा कि हाँ जी ये मेरे को असाइन हो जाए, और क्लिक करके वो उसको असाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज करो। ईआरपी का सिस्टम उठा लो, ईआरपी आपने कॉलेजेस में स्कूलों में देखी होगी, वो बनाने स्टार्ट करो। तो इस तरीके से ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, मिलते हैं कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, यार लाइक नहीं आ रहे ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं मेरे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।